फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा 27 मार्च को हो चुकी है। फिल्म फेयर अवार्ड्स का ऐलान शनिवार शाम से लेकर देर रात तक होता रहा। इन अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट स्क्रीन प्ले सहित तमाम कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। कोरोना की वजह से अवार्ड्स शो के विनर्स की वर्चुअल घोषणा की गई। इस दौरान दिवंगत इरफान खान के लिए 2 अवार्ड्स की घोषणा की गई। बता दें कि बीते साल कोरोना महामारी के कारण बहुत फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन मनोरंजन का सिलसिला कोरोना काल में भी नहीं थमा। ज्यादातर फिल्में OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करती दिखी थी। इन्हीं फिल्मों को आधार बनाकर फिल्मफेयर अवार्ड्स की लिस्ट तैयार की गई है। इस बार OTT प्लेटफॉर्म में कुछ फिल्में जैसे देवी, सर और लूट केस ने ब्लैक लेडी को अपने नाम किया है। इस अवार्ड समारोह का टेलीकास्ट 11 अप्रैल को 12 बजे दोपहर में कलर्स टीवी पर किया जाएगा। इन अवार्ड्स में गुलाबो सितावो, तानाजी, थप्पड़, पंगा, गुंजन सक्सेना और कई वेब सीरीज व फिल्मों का दबदबा रहा। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सितावो और तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले हैं। इन दोनों फिल्मों को 4-4 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा को भी अवार्ड मिला है। अवार्ड्स की दौड़ में तानाजी भी पीछे नहीं है। अजय देवगन की फिल्म तानाजी ने साल 2020 में शानदार बिजनेस किया था और अब ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते। चलिए एक नजर डालते हैं विनर्स की पूरी लिस्ट पर। बेस्ट मेल एक्टर लीडिंग रोल अंग्रेजी मीडियम के लिए इरफान खान को मिला। बेस्ट फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल फिल्म थप्पड़ के लिए तापसी पन्नू को मिला। बेस्ट फिल्म थप्पड़ को मिला। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर फिल्म थप्पड़ के लिए मंगेश उर्मिला धाकड़े को अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए सैफ अली खान को अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए ओम राउत को अवार्ड मिला। बेस्ट एक्शन फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए रमजान बुलट RP यादव को अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फिल्म गुलाबो सितावो के लिए फारूक जाफर को अवार्ड मिला। बेस्ट डायलॉग फिल्म गुलाबो सितावो के लिए जूही चतुर्वेदी को अवार्ड मिला। बेस्ट लिरिक्स फिल्म छपाक के लिए गुलजार को अवार्ड मिला। बेस्ट म्यूजिक एल्बम फिल्म लूडो के लिए प्रीतम को अवार्ड मिला। बेस्ट कोरियोग्राफी फिल्म दिल बेचारा के लिए फराह खान को अवार्ड मिला। बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म सर के लिए रोहेना गेरा। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर फिल्म लूटकेस के लिए राजेश कृष्णन। और पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिल्म देवी के लिए प्रियंका बैनर्जी को अवार्ड मिला। आपको बता दें, फिल्मफेयर अवार्ड्स को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारी और तकनीकी उत्कृष्टता का सम्मान करने के उद्देश्य से दिया जाता है। फिल्मफेयर अवार्ड्स पहली बार 21 मार्च 1954 को दिया गया था।